प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में लक्षद्वीप का दौरा किया है। उनके इस दौरे की तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई, जिसके बाद भारत में मालदीव और लक्षद्वीप की तुलना होना शुरू हो गई और ये तुलना भारत और मालदीव के बीच संबंधों में तनाव का कारण बन गया। बता दें कि पीएम मोदी के खिलाफ बदजुबानी पर भारत किसी भी तरह से नरमी बरतने के मूड में नहीं दिख रहा है, जिसके बाद से सोमवार को दिल्ली में मालदीव के उच्चायुक्त को तलब किया गया। जानकारी के अनुसार भारत ने इस पूरे मामले को लेकर अपनी नाराजगी जताई है, हालांकि इस विवाद ने कई सवाल भी खड़े किए हैं। अब जानते हैं कि क्यों आई दोनों देशों के बीच कड़वाहट। भारत और मालदीव के बीच दशकों से चले आ रहे मधुर रिश्तों में कड़वाहट 2023 के मालदीव आम चुनाव के बाद आई। मालदीव में 9 और 30 सितंबर 2023 को राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव हुए थे और इस चुनाव में पीपल्स नेशनल कांग्रेस के उम्मीदवार और माले के मेयर मोहम्मद मोइजू ने भारत समर्थक और निवर्तमान राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह को हराकर मालदीव के निर्वाचित राष्ट्रपति बने। और इससे पहले भी चुनाव प्रचार के दौरान मोइजू की पार्टी ने इंडिया आउट नाम से अभियान चलाया था, जिसमें वहां मौजूद करीब 70 भारतीय सैनिकों को भी वापस भेजने का चुनावी वादा शामिल था। जिसके बाद सोलिह की हार के साथ ही यह आशंका जताई गई थी कि भारत और मालदीव के रिश्ते खराब हो सकते हैं, क्योंकि मोइजू चीन समर्थक माने जाते हैं और चुनाव से पहले चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के अधिकारियों के साथ एक बैठक में उन्होंने कहा भी था कि अगर वह राष्ट्रपति बनते हैं तो चीन और मालदीव के रिश्तों का नया अध्याय शुरू होगा। और मोइजू के राष्ट्रपति बनने के बाद आशंकाएं हकीकत में बदलने लगी। इसका पहला उदाहरण तब देखने को मिला जब नवंबर 2023 में मालदीव के राष्ट्रपति की शपथ लेने के बाद मोइजू के कार्यालय ने आधिकारिक तौर पर कहा कि सरकार ने भारत देश से अपनी सैन्य मौजूदगी वापस लेने के लिए कहा है, और यहीं से दोनों देशों के मधुर रिश्ते में कड़वाहट घुलना शुरू हो गई। बताते चलें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 और 3 जनवरी को केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के दौरे पर गए थे, जिसके बाद उन्होंने दौरे की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी साझा की, जिसमें समुद्री बीचों के आकर्षक नजारे भी देखने को मिले। इस पर मालदीव सरकार के 3 मंत्रियों ने भारत और पीएम मोदी को लेकर अपमानजनक बयान दिया, जिससे विवाद पैदा हुआ। इसी वजह से देश के लोग नाराज हो गए। इस पर कई नेताओं और सेलिब्रिटीज ने भी अपनी आपत्ति जाहिर की है, जिसके बाद सोशल मीडिया पर बायकॉट मालदीव ट्रेंड करने लगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी